डेंगू को लेकर चिकित्सकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए इसके बचाव के लिए हर साल 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर सुधीर मेहता ने बताया कि डेंगू का मच्छर खुले पानी में पनपता है। इसकी रोकथाम के लिए समय समय पर सफाई और कीटनाशकों का छिड़काव करवाया जाए। ये जो डेंगू के जो मॉस्किटोज़ है एडीज, वो क्या है कि पनपते हैं और उसके कारण ये वायरस है, ये फैलता है। स्पेशली ये जो वेक्टर है एडीज, ये ज़्यादातर एक घर में पाए जाते हैं, घर के आसपास पाए जाते हैं, जहाँ गमलों में पानी हो, टायर्स में पानी हो, या ऊपर पानी की टंकी खुली हो, उसमें पनपते हैं। ये जो मॉस्किटो है ये जनरली डे टाइम में काटता है, सुबह या इवनिंग में, और इसका लो प्रोफाइल रहता है, ज़्यादा लंबी ऊंची हाइट पर नहीं जाता उड़ता है। तो जो लोग लॉन में अपने हाफ शॉर्ट्स पहन के ये बैठते हैं, उनको बड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में, बिकॉज इनकी रेंज ज़्यादातर स्मॉल रेंज होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आम जनता को कि अब मानसून आने वाला है, आपको डेंगू से अगर बचाव रखना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो लोग बच्चे लोग हैं, स्पेशली जो एक्सपोज एरियाज हैं, उसमें या तो क्रीम कुछ रिपेलेंट्स लगाएं जिससे मच्छर नहीं काटे, या पूरे प्रॉपर तरीके से बॉडी कवर्ड हो। स्पेशली आप लॉन में बैठे हो, कहीं आप पानी के पॉन्ड के पास बैठे हो, तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है।